वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित नवनीरभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले नारायण 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 नारायण। हमने बात करी थी पुलिस अपनी दृष्टि से आपको मैंने कन्या का देखा, मेरे को ये बात बहुत ऊंची अच्छी श्रेष्ठ मालूम है। जितने साधन होंगे वे सब के सब किसके ऊपर चलेंगे। हमें उम्र भर में भगवत तत्व की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवत दर्शन करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, हमें अपनी मुक्ति करना है। इनमें से जो जिसको अच्छा लगे वो कोई से चुन उसके ऊपर डटे रहो, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। इसका तात्पर्य ये नहीं गृह का काम मत करो, खेती मत करो, व्यापार मत करो, बाल बच्चों का पालन पोषण मत करो, ये बिल्कुल नहीं है कहीं भी। परंतु करो किसके लिए? परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। देश बदल जाएगा
तो आपका सबका सब काम बदल जाएगा, ऊपर का काम कोई नहीं लेगा। गृहस्थाश्रम में रहो तो गृहस्थाश्रम के अनुसार काम करो, साधु आश्रम में हो तो साधु आश्रम के अनुसार काम करो। जैसे आपकी बच्ची लड़की है वो कन्या आपके घर पर रहे तो माँ बाप के साथ भाई भतीजों के साथ जो प्यार का बर्ताव करे वो करो, ससुराल के साथ ससुरालों के साथ क्या करो, उसको तो प्यार का बर्ताव स्नेह का बर्ताव आगे बर्ताव करना है चाहे कहीं रहे। इसी तरह से आप गृहस्थाश्रम में रहे तो ऐसा सन्यासी बने, कहीं भी रहे सबकी हृदय से हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे ये तो भाव, और काम कैसा करो तो आप कर सकते हो वैसा, उसी लेने जितना आप करो उतना उतना नहीं शक्ति के अनुसार करो और हित करो सबका ही। तो पारमार्थिक उद्देश्य वाला संसार का हित जितना करता है उतना हित उतना धंधा सांसारिक उद्देश्य वाला कभी नहीं कर सकता। ध्यान देखो सुनिए, जिसका उद्देश्य धन कमाना है भोग भोगना है वो कितनी ही संसार की सेवा करे उसकी सेवा नहीं कर सकता, और जिसके परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है वो जहाँ रहेगा जनता की सेवा बहुत बढ़िया नहीं करेगा। तो कृष्ण की सेवा से मेरे को भगवान मिलेंगे, भगवान राजी होंगे, क्योंकि संसार सब भगवान का है। भगवान की सेवा करें किसी करें की सेवा करने से भगवान राजी होंगे। मैं तो ये भी कहा करता हूँ कि ये करोड़पति शेठ है उसको आप क्या नाम राजी कर सकते हो, तेरी गाय उसको ले जाकर आप पैसे दो तो नाराज हो जाएगा, मैंने क्या देते हो हजार रूपए जाने को राजी नहीं होगा नाराज होगा। और चार आना तो खिलौना नया आया है वही बाजार में, वो चार आना खिलौना ले लो और जेब में डाल दो और शेर बैठा हो उसका लड़का हो जाए पौधा हो वो खेलता हो उसको प्यार को गोली मिले दो, गोली मिले तो प्यार करके वो खिलौना सामने कर दो वो खिलौना ले लेगा शेर सच हो जाएगा। और क्या तुमने चीज मिली शेर को, अरे गुरु चीज नहीं मिली है, बच्चे के प्यार से माँ बाप खुश हो जाते हैं, ऐसे सब भगवान के बच्चे हैं, इनका कल्याण हो जाए इनका हित हो जाए इनका भला हो जाए, ये भावना जिसके भीतर होगी उसको भगवान बहुत खुश होंगे बहुत राजी होंगे। अब भारत कैसे है कैसे नहीं है, सदाचारी है दुराचारी है सदगुण है दुर्गुण है कैसे है, इनका आपको विचार करने जरूर है। हाँ आपके ऐसे जैसे पहले पूछा कि ऐसे आदमी आचरण जिनके अच्छे नहीं है हम संग नहीं करते, बिल्कुल संग मत करो, पैर मत मारो महंगा मत करो द्वेष उनके साथ मत करो अपने संबंध दूर करने के लिए आराम जी करो, पैर करने से फायदा अंदर मेरा होगा, जिनकी सेवा कर सो कर सको, गुरु दुराचारी की सेवा कर दूसरा गुरु कैसे मिले दुराचार कैसे बेटे ऐसे करो वो सेवा होगी। हम तो ऐसा कह नहीं सकते उसे गुरु दुराचार मिटा नहीं सकते, तो मिटा नहीं सकते वो कैसे मिले ये सोचो और मिटाने का उपाय करो। अरे वो यंत्र खराब हो जाए तो अपने शक्ति तो अपने ठीक कर लो और नहीं तो कोई कारखाना दे दो हमारी घड़ी ठीक करनी है कह लो, इस तरह से उसे अपना सुधार करो तो आप सुधार कर दो, नहीं होता हो तो अच्छे सत्संग में अच्छी जगह भेज दो वहां ले जाओ बड़े प्यार से वहां इलाज हो जाएगा उस संस्था में, इसे रह दो भाव ये चाहिए उद्धार करने का उनका कल्याण कैसे हो सबका हित कैसे हो। तो फिर प्राप्त विमान में वह स्वर्ग भूमि हित रहता प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं प्रीति करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, जो उनका भाव अच्छा है ना, अरे भाव क्या है जनार्दन भगवान भाव होता है भाव को देखते हैं इसकी नीयत क्या है इसका भाव कैसा है, अरे परमात्मा ही देखते ये बात नहीं सरकार भी देखती है भाव, जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र है और वे शिकार खेलने को और बंधु भरी हुई थी वो करते हुए छूट गई और मृत्यु के लग गई मृत्यु मर गया, तो मरने पर फांसी नहीं होती ठीक साबित हो जाएगा, और इसने पैर जोड़े के सामने मंजू कर दी गोले नहीं छूटी कुछ नहीं हुआ फांसी हो जाएगी, कारण क्या है उसकी नींद खराब थी अरे गोली लग गई उसकी नींद खराब नहीं बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी भूल से हो गया
विश्वास करे मनुष्य अपनी नींव साफ रखे, परमात्मा तुम ही प्राप्ति हमें करना है और हमें फंसना नहीं है, ऐसे चलता है तो और चाहे न दे भगवान दे दे उसको। भगवान भी कहते हैं रात्रि ने प्रभु जी चूक किएगी कर्म सुर सो बार रहिएगी, देवी शोध भी आदि करते ही क्या कहा था, इसकी नींद क्या है, ये सत्य से उद्देश्य क्या रखता है, ये किधर जाना चाहता है। अब वो आप अगर परमात्मा की तरफ चलोगे तो परमात्मा आपकी बिल्कुल पद पर को सहायता करेंगे। एक राज में 10,000 रुपया किसी को जमा करना है और वो आता तो वहाँ बीच में जंगल पड़ता है, तो राज को अर्जी दी जाए कि मैं ऐसे आना चाहता हूँ, डाकुओं का भय है तो राज से प्रबंध हो जाएगा, उसके परेशान मार जाएंगे। और तो बोलते हैं मेरे को राज के खजाने में चोरी करना है, हमारे साथ आ रही है, दे देंगे क्या? तो चोरी करना चाहते हो कहना जी, ऐसे संसार में अन्याय करना चाहते हैं उसके साथ भगवान नहीं देते साथ, और उसे न्याय करना चाहते हैं आप चाहो तो मदद करेंगे, आप अपना उद्धार चाहोगे तो भगवान मदद करेंगे। सच्चे रस्ते पर चलने पर सब लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं, उसकी मदद करने वाले हो जाते हैं, और अपना ही रस्ता ज्ञान होगा तो माँ बाप विरुद्ध हो जाएंगे, पुत्र विरुद्ध हो जाएंगे, संबंधी कुटुंब भी विरुद्ध हो जाएंगे, क्यों? हमारा रस्ता सारा गर्व है, अच्छे रस्ते में चलने का अच्छा विचार पक्का हो जाएगा तो फिर आपके शब्द नहीं उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते लक्ष्य उद्देश्य एक बढ़ाओ कि भाई हमें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना, उसे अर्थ ये नहीं साधु हो जाए, साधु हो जाए तब हम कह सकते हैं कि साधु कल्याण हो गया, जितने साधु है सबकी से मुक्ति हो गई, इसमें आपके सब कल्याण हो गया शुरू का, और आप सुनने वाले हो गया कोई साधु के उपनी साधु के प्रति आपकी सद्भावना हो जाती है, वो हो ये सहन रहेगा परमाणु तत्व को प्राप्त हुए हुए है ही नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में साधु मिल जाते हैं, तो साधुओं के बीच में तो शांति है, साध्या है, कंजर है, और ये सब साधु ये सब एक पंक्ति में है, दुष्यंत हमारी पंक्ति में है, सत्रह में सरकार की गणना में दुष्या और साधु साध्या शांति कंजर ये जितने तो मांग कर खाने वाले और पैदा कुछ नहीं करते खाने वाले सब एक पंक्ति में है। मैडम सुमारी तो साधु होने से कल्याण हो जाए तो फिर सब कल्याण हो जाएगी, कैसे जाएगा? इस बार साधु और बीच में है ही नहीं, गृहस्थ तो साधु रहने से थलाई में आ जाए लोग तो रोटी मिल जाएगी, तो शरीर के ऊपर जोश धारण किया तो शरीर का विवाह हो जाएगा, भीतर से साधुता की भीतर से कल्याण हो जाएगा, सीधी सारी बात है। अरे साधु बनने से कल्याण हो जाए, रावण जी साधु बना था, काल में भी साधु बना था, साधु बने बड़े बड़ी महात्मा हो गए, वो क्या श्रद्धा है लोगों की, अभी नहीं हो सकती। इस बात से भीतर से साधुता है वो श्रेष्ठ है, वो भी साधु पढ़े की अपेक्षा दुष्ट में रहते हुए भीतर से संत होता है, वो गुप्त धन होता है, लोगों को पता नहीं लगता वो संत होता है, और साधु और ठीक होता है साधु है तो धन जाएगा, हम साधु है अच्छा होगा, अच्छी बात है, वो कुछ मान सत्कार बढ़ाई में वाह वाह में कुछ खर्च होती रहती है, जल्दी सिद्धि होनी कठिन है अगर उसने कर रहे मान बढ़ाई में, तो जिसकी ये इच्छा नहीं है तो अभिनेता सुन रहे हैं जिसका करता ही चाहता है उसको बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति होती है, तो लोगों को महिमा है ही नहीं, उसकी लोगों की प्रशंसा है ही नहीं, और सत्य से परमात्मा उठता आता है, परमात्मा ने कहीं नहीं कहा जो भी साधु होते हैं उसको नहीं मिलता, उद्देश्य ने बताया उद्देश्य, साधु में बात नहीं गई, किसी भाई ने प्रश्न किया मालूम होता है उद्देश्य वो समझे कि साधु हो जाए सब छोड़ दिए बहुत प्राप्ति करना है हमें, अरे भैया ये तो है उद्देश्य, काम अलग अलग होते हैं, जो भी मैंने विचार कर खूब विस्तार से कहा है, देखो भूख सबकी एक होती है और भोजन होने पर तृप्ति सबकी एक होती है, पर भोजन की रुचि एक नहीं होती, वो अलग अलग होती है, एक साग बना उसमें किसको नमक अच्छा ज्यादा लगता है, किसको मिर्ची अच्छी लगती है, किसको कुछ अच्छा लगता है, दो आदमियों की रुचि एक समान नहीं होगी, तो भगवत भजन में करना सेवा करना स्वाध्याय करना एकांत रहना ये अलग अलग रुचियां होती, तो रुचि के अनुसार करो, उसे फिर कोई आग्रह नहीं संसार में रहो ये भी नहीं तुम एकांत में रहो, एकांत चीज है
वो तो जो होती है उसी में बल देने वाला है, जैसे घी दूध है ये बल देगा, आपके शरीर निरोग अच्छा है तो बल जाएगा और आपका रोग जैसे रोग को बढ़ा देगा, घी दूध रोग बढ़ाएगा। ऐसे एक आदमी को घी दूध की तरह है, आपके विचार ठीक होंगे भोजन ध्यान बढ़ेगा और नित संसार का संसार का संकल्प भी ज्यादा होगा, काम से नींद ज्यादा आ रही है, हम लोगों को तो क्या देगा, और संसारी आदमी जो संसार में संकल्प नहीं होता और भजन सुनने की रुचि है, उसकी भूख लगी हुई है, गोस्वामी जी देखते हैं सुन के हड्डी को ले कुत्ता दौड़ता है और सुन को दे मेरे छीन लेंगे, अरे छीन हड्डिया दूसरा है भगवान जवानू कुत्ता और जवान और भगवान ये सब से बोलो मिल जाए तो विचार ही नहीं करते ही स्वयं को गो नाम करते थे ये बात है। ईद क्या है, लक्ष्य उद्देश्य एक है, जैसे व्यापार करे कोई कपड़े के व्यापार करे, किराने के व्यापार करता है कोई, कुछ कोई कुछ व्यापार करे, कोई नौकरी करता है, कोई दलाली करता है, और उद्देश्य क्या है, पैसे मिला करना, ऐसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, उद्देश्य तो एक रहेगा और बधे होगी कार्य अनेक होंगे और एक व्यक्ति के द्वारा भी कार्य कई होंगे, योगी पुरुष के द्वारा भी कई काम हो गए, दुकानदारी भी करता है, भोजन भी करता है, चीज वस्तु खरीद लाता है, प्रबंध भी करता है, पर सब में चाहते हैं कि कोई सा किस्म नहीं हो जाए, पैसा पैदा हो जाए, पैसा ज्यादा खर्च न हो जाए, ऐसा तो उस अच्छा काम कितना बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया कैसे हो जाएगा, ऐसा सारे कोई सब जाएगा मुख्य, ऐसे परमात्म तत्व की बात मुख्य होनी चाहिए। और एक और मार्मिक बात है, ध्यान देंगे आप सुने फिर शंका करें, हम यहाँ से रवाने हो और रवाने होकर के दूर देश में यहाँ से 50 मील जाना चाहते हैं तो 25 मील वाला स्थान हमारे बीच में आ जाएगा, अगर 25 मील वाले जाना चाहते हैं तो 50 मील वाला बीच में नहीं आ रहा है। ऐसे परमाणु तत्व की प्राप्ति सर्वोपरि है, ये ध्यान होगा तो संसार के काम बड़े सुंदर रूप से होंगे, ये सब मार्ग में आ जाएंगे, बड़े बढ़िया बढ़िया काम होंगे और संसार का ही उद्देश्य होने से परमात्म तत्व की प्राप्ति बीच में नहीं आ जाएगी, वो ऊंचा ध्येय है, उस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति का जो ध्येय बन जाएगा तो संसार का काम भी अच्छा होगा। कैसे, न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा, स्वर्ग का त्याग करेगा, आराम का त्याग करेगा, खटेगा, परिश्रम करेगा, काम बढ़िया हो गई, काम बढ़िया किसका होता है, चार बातें मुख्य होनी चाहिए उसमें, एक तो समय बर्बाद न करे, एक ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगा रहे और अपने काम करने की कारीगरी होशियारी कार्य कुशलता को बढ़ाते चला जा रहा है और दूसरे किसी की हक की चीज वो न ले न आने दे, अपने भीतर सावधान रहे, ये चार बातें जिसके भीतर होती किसी क्षेत्र में जाओ काम बढ़िया बढ़िया करेगा, जो उसका उद्देश्य परमात्मा तत्व है वो योगी है ही नहीं, इसलिए करो आप तो संसार आपको भूल जाएगा, संसार अच्छे महात्माओं के द्वारा संतों के द्वारा जितना संसार में उपकार होता है, हजारों लाखों क्या अरबों रुपये खर्च करने पर भी इतना उपकार नहीं होता, आपने भोजन करा दिया लाखों आदमियों को करा दिया उम्र भर तो भोजन बाद फिर भूख लग जाती है और फिर घर में मरेंगे, और तत्व ज्ञान किसी को करा दे, परमात्म तत्व की रुचि किसी के हो जाए तो स्वयं ही उसका कल्याण हो जाए, न जाने उसका हर दिन होता कितना होता है, करोड़ों दिन होता है उसके पीछे,
उसके समान कोई है नहीं उपदेश के समान, क्योंकि अपने परमात्म तत्व का उद्देश्य बनाने के समान कोई नहीं है। दक्षिणा ज्ञान संदेश एक आदेश में पूछा है उद्धव जी ने कि दक्षिणा क्या है, दान क्या है, सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया दान ज्ञान है। जो ज्ञान का दान किया जाए दिया जाए जिसमें दुनिया का कल्याण हो जाए ऐसी बात बताई जाए, ये बड़ी बढ़िया चीज है। ये भाई है उम्मीदारी, वो गरीबों को नौकरी में लगा देता है, कई आदमियों को काम धंधे में लगा देता है, और ये आदमी स्टावर देता है 10-15-20 हजार अन्न दे देता है, अन्न देने में तो भूल जाएगा, पर वो काम सिखा देगा, काम में लगा देगा, तो सदा कमा कर खाएगा। वो नौकर थोड़ी मतलब देने से जीतने में देना है, देता है बुद्धि का बड़ा आदमी, और कई आदमियों को काम धंधे लगा के वो बड़ा नहीं जीतना, और समाज में उपराध ज्यादा कौन कर रहा है, ज्यादा वही कर रहा है लेकिन पैदा नहीं है, साधारण स्थिति है, काम में कोई धंधा नहीं है, घर में कोई तंगी है, खर्चा ज्यादा होता है, पैसा पैदा नहीं होता है, घर में कोई जमा नहीं है, ऐसे आदमी को काम धंधे में लगा दो। आप इतने बैठे हो, ये भाई होता है ना, अगर ये ध्यान करे कि हमारे किसी भाई का इनको तकलीफ न हो, उनको सुख कैसे हो, सुखते हुए आप कल्याण कर लोगे अपना। गर्भवती बहन को चाहिए तो अपनी जाति में बिरादरी में समाज में जो साधारण स्थिति है उसके पैसा पास नहीं है, गर्भवती नहीं है, उसके घर पर जाओ आप और बात करो उनसे, प्रेम से बोलोगे तो उसे कितनी शांति मिले। आज हमारे शेखा नहीं आए थे साहब, ऐसा राजी हो जाएगा वो, और बड़े प्यार से उनसे बर्ताव करो, अपने छोरा उसको साथ में ले जाओ, उसका छोरा कहीं खाता हो धानी भी और चाहे वो कुछ कपड़ा करता हो तो कहे अरे अकेले क्या था भाई मुझे मांग ले, फिर वो आ जाए जब मिठाई मिल जाए कपड़ा भी मिल ले जाओ, आप कैसे ले जाओ, हमको मांग लो ऐसे कर दे दे। आप ये रहे जिनके घर में चीज कैसे पहुंचे, ब्याह शवा हो तो उनको बुला लो, हमारे बहुत लड़की का संबंध करना है तो काम धंधा बहुत रहेगा, आप आ जाओ तो दो दिन में वहाँ काम धंधा करावे और तेरे बाद से क्या करो, यही जीवो सभी यही जीवो हमारे काम कर दो, वो काम कर दे सब जाते वो हमारे मिठाई मिले दे कपड़ा मिले दे चीजें भी दे ले जाओ, तो क्यों बड़े फालतू हो जाए ज्यादा ही मतलब क्या है, मित्र की मित्र की धारणा है किस मित्र की सहायता हो गया, तो ये कोई धन से कम चीज है क्या, परमात्मा की तरफ बहुत था है। देखो दो चीज है, चाहे तो संसार से ऊंचा उठ जाओ चाहे भगवान की गति से लग जाओ, दोनों का नतीजे एक ही होगा, जो संसार से ऊंचा उठने का उपाय है, ये उपाय है दूसरों की सेवा करो, उपकार करो, हित करो, संसार की चीजें सेवा में लगाओ, ये संसार से ऊंचा उठने का उपाय है, और इनको चाहता रहो ये पतन होने का हमारा पतन होगा, धन भी मेरे को मिल जाए, मान भी मेरे को मिल जाए, बड़ाई भी मेरे को मिल जाए, लोग भी मेरे को अच्छा माने, मैं बड़ा ऊंचा हो जाऊं तो बड़ा ही पतन होगा, सब सुखी हो जाए, सब सर्वे भवन सुविधा सर्वे संतु निरामया सर्वे ध्यान सिंधु भाव सिंधु को भाग हो ऐसा भाव हो जाएगा, सबका सुख हो जाए, सबकी योग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, कभी किसी का किंचित मात्र अनिष्ट न हो, ये भाव आपके भीतर बना रहे बैठे बैठे रहे, काम नहीं कर सकते आप, धन नहीं दे सकते, खटर परिश्रम नहीं कर सकते, परंतु मन में भावना सबके हित करने की है तो काम पड़ेगा, तो बड़े तेजी से आप काम कर दोगे, आप शक्ति से बाहर होगी उसकी आप जिम्मेवारी नहीं होगी, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए संसार के लोभ के त्याग की आवश्यकता है, अपने इंद्रिया तृप्ति के लिए काम किया जाए वो उपाधि होता है, दूसरों के हित के लिए जाए वो कल्याण करने वाला होता है, इस वास्ते संसार में रहते हुए उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर ले आप, तो जड़ता है इसका त्याग करें, त्याग कैसे होगा, अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है वो तो सांसारिक पदार्थों में फंसेगा, और अपना न चाह करके दूसरों का हित चाहता है केवल तो फंसेगा नहीं, वो तो हित करेगा, उसके द्वारा संसार का हित होगा, ये प्राप्ति नाम सर्वभूति तथा प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है जिन्हें बनाता हूँ प्राप्त हो, सबका हित होते हैं, सबका कैसे कल्याण हो, सबका हित कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, ये भाव जिसके भीतर रहता है तो उसका कल्याण तो होगा ही, सबका कल्याण हो जाए न हो जाए पता नहीं, तो कैसे भावना वाले कल्याण होता है, भगवान देखते हैं इतने को थोड़ी सी शक्ति है विचारे में,
पूरी बहुत थोड़ी, समय भी थोड़ा, शक्ति भी थोड़ी, फिर भी ये दुनिया के हित की बात करता है तो कल्याण करता है, विश्व का उद्धार हो जाए तो भगवान देखते हैं उचित तो ये है कि तो मैं भी ऐसे ले गया हूँ सबके कल्याण के लिए, और सबके कल्याण के लिए मैं लगू तो कम किस कल्याण करूँ, ये विश्व का कल्याण चाहता है, शक्ति न रहते हुए तो मेरी शक्ति चाहता हूँ मनुष्य कल्याण करें करना पड़ेगा उनको, तो कुछ नियम ऐसी है मनुष्य अपनी नियत अच्छी बनावे, अपने भीतर के विचार है उनको शुद्ध बनावे, वो विचार शुद्ध तभी बनते हैं जो बुद्धि शुद्ध होगा, और उद्देश्य धन होगा, दूर होगा, दही मंडी होगी, ये करेगा वो विश्वास के उद्देश्य परमानंदत्व की प्राप्ति होना चाहिए, वो होगा वो बहुत ठीक होगा, विश्वास के परमानंद तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य बनाना है, इसका यही साधु हो जाए, अथवा दोस्त हो जाए, भाई हो गए तो बहन हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, अंधे हो गए, हरिजन हो गए, कोई हो गए, बाहर कुछ में चलना चाहिए उसे उद्देश्य नहीं रहना चाहिए, भगवान की बात उद्देश्य दे दी, ऊपर की बात क्या दे दी, ऊपर का बड़ा ही कल्याण होगा, कल्याण को भटका खुद का होता है, खुद का उद्देश्य होगा मेरे होगा, ऊपर से व्यवहार बहुत अच्छा करता है, बड़ा श्रेष्ठ करता है, बीच में ठगाई करता है तो उसका कल्याण कैसे हो जाएगा, धनी आदमी को देख करके निमंत्रण दिया, ले गया और भोजन कराया, बड़ा बड़ा आदर सत्कार किया, बहुत अच्छा, और दूध में कल्याण हो जाए, दूध बांध दे सेवा कर ले, मरे और भी कल्याण नहीं हो सदन होगा था, और साधारण काम करता है, सबके साथ में सेवा करता है, प्रेम करता है, तो तू क्या हो जाएगा उससे, एक हमने कथा सुनी चूरू में रहने वाले साईं बाबा थे, साईं बाबा थे वो पड़े रहते थे, तो उनकी पहले की बात सुनी, वो मशक रखते पानी की और दिन भर पिला ले पानी पियो, पानी पियो, किसी से कुछ लेना देना नहीं, सबको पानी दो पियो, तो पानी पिया, पानी पिलाना, ऐसे पानी पिया करते, ऐसे प्यार करते करते बड़ी ऊंची वृत्ति होगी, ऊंची वृत्ति होगी, वो आकाशी भजन करते थे, ये श्री जयनाल जी और ये लोग कहते थे शुरू की बात है, और देखी हुई वो बैठे थे बस्ती से, बैठे रहते पड़े रहते, केवल ये बात करने में उम्र में देखी कि जल फैलाना हरे को पंद्रह रुपए हाथ में जल फैलाना हवा करना कई महीने के नाम हवा करना हरे को और जल फैलाना और किसी से कोई मतलब नहीं कोई पहचान नहीं कोई कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं तो हरे का हिस्सा आने वाले का कल्याण होता है ऐसी बातें सुन रही है गीता कह रही है देखो आप लोग दिमाग में धर्म बुद्धि नहीं मिला जगन देव गुरु मंदिर निर्माण हृदय खेल कर बसा छिन्नक जो है एक आत्मा का स्वरूप गुरु हिंदी रहता क्योंकि वास्तव में ये सबके हित का नहीं बात है तो स्वार्थ बुद्धि है वो गर्मी करने वाली है वृद्ध साधु हुई है वृद्ध में लेकर अपना मतलब सिद्ध करना मेरे बात मेरे मन की बात ही बनाना है इनको ये सब मेरे क्या के अनुसार करे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे समान हो मेरे क्या के अनुसार करे ये खत्म करने वाली चीज है तो अपने कोई भी इनका सभी हो इनका पसंद हो इनके काम करोगे लोग देखो स्वामी जी ने क्या दिया मेरे मन के अनुसार करो तुम मेरे मन का अनुसार करो स्वामी जी तुम्हारे ऊपर आए आपको नहीं कहा गया और वो अपने जो कब्जे में आ गए की बात स्वास्थ्य हुई बात पकड़ेगी मेरे काम पड़ा थी भाई का मना आज को नहीं पता की बात सुनाओ वो तुम्हारे ऊपर सुना वैसे आप उसे सुनाएंगे तू आज तुम आई होगा उसमें तुम्हारो ही होता मेरे तो मैं उसको सुनाता हूँ तो स्वामी जी कहने को कोई हमारा हुकुम चलना हुकुम पालन करे मेरे को आवश्यक खोले आपकी उम्मीद खोली आप मुझे पति कर दी बात पूछो पूछो की बात सुनो भगवान ये गया वहाँ मुझ में जाए तो आपके लोग इकट्ठे हो गए बहुत से बोलो भाई क्या सुना है तो मैं मिल माल को करते भी सुनाओ मैं वो लड़ाई करना लगती है वो नहीं सुनाऊंगा तो मिल माल ही सुने तो सुनाऊंगा आप कैसा कहते आप सुनो बताऊंगे ये चालाक में से कैसे काम चलेगा चालाक सुनो भाई और आया है ना
फिर चतुराया मैं दूर पड़ेगा कर्म रहा जन्म लियो जन भर नहीं पड़सी मोटी नगर से टूटे जन्म लियो दर्श बनना पड़सी काली माते नगर बने मोट नारे मौका छू जाएगा ऐसे मौके में सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो बस ये बात अपने बांध लो ये अपना कल्याण हो उसका तात्पर्य ये है मेरे कहने का एक उद्देश्य का तात्पर्य ये है भगवान की तरफ से तात्पर्य ये है ये नहीं है साधु हो जाओ तो मृत्यु हो जाओ अमुक संप्रदाय में चला जाओ अमुक में वहाँ शिष्य बन जाओ अमुक मंदिर हो जाओ ये कोई बोल नहीं भगवान क्या हो जाएगा ये तो जिसको टोली बनानी होती है उसको ये कहना पड़ता है कि तुम हमारे शिष्य बन जाओ हमारे कल्याण कर देंगे हम बहुत से लोग कहते हैं कि कल्याण तो हमारी कृपा से होगा हमारे ठेका है तो क्या करें कल्याण इस बात से कल्याण को उद्धार को होता है एक अपनी लगन होने से वो लगन होने से सबके सब परमात्म तत्व की प्राप्ति के अधिकारी है इस बात के स्वरूप को दीदी बता रहा हूँ परमात्म तत्व का उद्देश्य बन जाता है बहुत मिला चीज है पर उद्देश्य की पहचान नहीं होगी तो सांसारिक कितनी उन्नति हो तो आप राजी नहीं होंगे क्योंकि हमारा ध्येय नहीं है राजी क्या हो जाए धन हो गया किसी बात कुछ विरोध भी नहीं है भविष्य में राजी राजी क्या हो जाएगी हमारा लक्ष्य नहीं है हमारा ध्येय नहीं है हमारा ध्येय को नहीं मिला तो क्या हुआ बच्चे की बात बताए थे माँ मिले माँ है तो सब माँ है सब माँ है माँ है ही नहीं अरे माँ है तो बहुत बजनार कपड़ा बढ़िया से बढ़िया है बड़ा ऊंचा पद है ऐसा है सोनो गलू की है माँ भी नहीं अरे वो काली गलू जी है गहना भी बढ़िया नहीं है कमरे भी बढ़िया नहीं भरे पुराने ऐसे रोज गोदी से हमारी माँ आई तो हमारी माँ प्रिय लगती है अच्छी लगती है नाम भी अच्छा लगता है ऐसे हमारे परमात्मा है परमात्मा की प्राप्ति चाहे बस वो परमात्मा सुख मिलेगा दुख मिलेगा मान मिलेगा तो अपमान मिलेगा अपमान मिलेगा वो तैयार है हम प्राण वही भगवान है असुंदर असुंदर श्री गुरुआ वही भी गुणा करोगा भगवान क्या गुणवान है क्या निर्गुण है सब कुछ काम की नहीं है कोई हम दूसरी को चाहते हैं ऐसे ही मन होता है वो भगवान कर चलता है जो काम का रखता है संसार की उन्नति चाहता है भगवान करने का अधिकारी नहीं है तो उनके मन में तो संसार बसा हुआ है जब चीजें हैं उनकी तरफ आकर्षण हो रहा है वो कैसे चलेगा तू भी हम तो इतना छोड़ेंगे भी चलेगा अरे छोड़ा नहीं छोड़ना है ये भाव आपका होना चाहिए नहीं छूटता बोलते तो हम छूटता नहीं हो गया बस हमारी आसक्ति है हम तो चाहते हैं भोग भी चाहते हैं सुख भी चाहते हैं हम रुपये भी चाहते हैं मान भी चाहते हैं हम बढ़ाई भी चाहते हैं हम तो आराम भी चाहते हैं हम अभी तो कैसे चले कुछ भी कैसे हम तो चाहते तो है चाहना याद रखें हमारे मन में हमारे चाहना छूटती नहीं है ना तो हमारी छूटती हम क्या करें तो कोई भगवान नहीं आपकी स्मृति हृदय से लगन होगी तो भगवान की कृपा से छुड़ा देंगे पुकारो भगवान को जिस दिन ज्यादा तंग आ जाओगे तुम्हारे अब हम नहीं सह सकते उसी दम भगवान की कृपा से सुन जाएगा एक सज्जन अध्यापक थे कलकत्ता में वो अपने काम चले गए अपने गांव में वहां से शहर हो गए उनकी बात एक सुनी मैंने वो कहते थे कि मैं पड़ा था बीमारी में बुखार में पड़ा था तो ज्यादा बीमारी पड़ गई तो सुना ये था कि भगवान से कामना नहीं करनी है तो कामना नहीं करी मैंने और मेरे पास मिस्त्री खड़ी थी मेरी तो वो बेचारी रोने लग गई बड़े विद्यालय का आंसू पड़ रहे थे आंसू खड़ी थी आदमी खराब जो है भी खराब है मैं तो आपने मुझे पढ़ा था भीतर भीतर मेरे होश था उस होश में इतनी महाराज तकलीफ हुई इतना
राम दूत में मात ज्ञान की और सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान का शब्द सुनते ही सीता जी विश्वास हो गए। तुम करुणा निधान सुजान करावरो गोभी ने कहा था ना करुणा निधान सब ध्यान दे तुम्हारी, तो कुछ दिन से सीता जी ने सीता जी महाराज का नाम करुणा निधान रखा था। कभी बोलते करुणा निधान, करुणा निधान बोलती। अब वो क्या सत्य शब्द करुणा निधान की भूख लग गई। ये देखो सुंदर सुंदर वृक्ष पर सुंदर सुंदर फल लगे हुए है, उनको मैंने देखा तो माँ फिर भूख लग गई। छोटा साधु तुम्हारा एक थोड़ा कर जाएगा रहे आश्रम की नगरी तो दिल के भय माता कोई ना माँ मैं उनसे डर तो जो सुख तुम्हारे मन में सुख हो गया है, तुम अगर सोचा हो तुम प्रसन्न हो जाओ तो उसको याद नहीं है राशि डर भय होते ही नहीं था भैया। अच्छा कहा से जाओगे भाई हो। अब उन्होंने
सारा शुरू किया लंबा ऐसा खेल किया कि दुनिया भर में कोई उनके पास कुछ नहीं आया सब भेद करते सब हुई है लपेट दी सब अब वो चलेगा नहीं आग और पकड़ घुमाया भगवान को फैलने वाला भगवान जी ने पाल देखते नहीं सब घटाते हैं सब घटते रहते हैं देखा मैं आप बजा उसकी को सुलझ गई है छोटा रंगदार बड़ बंद में चले गई और कूद रहे ऊपर चल रही ऊपर चल रही आज आया अब टाइमिंग हुए लोग अब क्या गया अब लगा महाराज आग उधर उधर से उधर जबर जबर गंगा जल जा रही अब कूद जा रहा महाराज पर तो वहां वहां कूदे वहां वहां कूदे वहां वहां सब के लाभ लगा दिया
भाव टिकेगा, विश्वास नहीं डालना करो।